अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं। होप सब एवरीबॉडी इज़ ऑलराइट। आजकल मेरे साथ एक मसला हो रहा है। जब से रमज़ान फिनिश हुआ है मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा करने को। आपके साथ भी ये हो रहा है कि नहीं? कोई भी काम देखती हूँ कि सोचती हूँ अभी रहने दो यार, बाद में करेंगे, अभी रहने दो बाद में करेंगे। इतनी सुस्ती, उफ, बस सो जाओ खा लो, सो जाओ खा लो और बस। मुझे मोटर बाइक भी लेके जानी है MOT करवाने के लिए, लेकिन बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई भी काम करूं। चलें जी, सबसे पहले जो मैंने अनाउंस करना था वो ये था कि मैंने अपने चैनल का स्टार्ट और एंड नया बनाया था। आपने किसी ने भी उसका जिक्र नहीं किया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं आपको अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा है, क्यों, कि आपका अपना चैनल है। अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड की वो थी 5 बेस्ट कमेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लिप्स। मैं हमेशा सोचती थी कि आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो ज़ाया हो रहे हैं, इनको कुछ करना चाहिए। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम 5 बेस्ट कमेंट्स पिक करके एंड ऑफ द क्लिप लगाया करें। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो मुझे आप ज़रूर बताएं। ये दो चीज़ें थी जो मैंने मेंशन करनी थी। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली मैं अपनी ब्लैक हैट पहनती हूँ, वो जिसके आगे यहाँ पर लाइट लगी हुई है। आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर लें, और मेरे पास टाइम नहीं था बाल बनाने का, तो मैंने ये सोचा कि बालों को कवर करने के लिए ये स्टाइल बेस्ट है। कैसा लगा आपको? जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं बैठ जाऊँ? आई थिंक के बैठ के ज़रा बात ज़्यादा अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन कैमरा हम थोड़ा क्लोज़अप कर लेते हैं। तो 2 दिन पहले मैं गई थी टेस्को सुपरमार्केट, जो यहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरमार्केट्स में से है, और जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स इम्प्लीमेंट किए हुए थे कि 2 मीटर्स आपने साइड रहना है, फासला रखना है और ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाना एक दूसरे के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी थी। आई वॉज़ रियली सरप्राइज टू सी कि उन्होंने हर चीज़ को बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और जगह जगह पर साइन थे कि 2 मीटर अपार्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट ने एक रूल इम्प्लीमेंट किया है तो उसको आगे जो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं उसको, वो जो आगे छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं, जैसे कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, सुपरमार्केट्स हो गए, इन लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट किया है मैं आज आपको दिखाती हूँ। टेस्को सुपरमार्केट ने, आई वॉज सो हैप्पी टू सी, इतने अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि मतलब उन्होंने जगह जगह पे साइन लगा दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दी, एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो इट। और पब्लिक उन साइंस को फॉलो कर रही है। ये नहीं कि जी इग्नोर कर दो, छोड़ो हमने नहीं पढ़ने, हमने बस रश करना है, हमने अंदर जाना है। एवरीबॉडी वाज इन द क्यू। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि देखो हर इंसान जो है अपनी अपनी जगह पर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। और टेस्को का बिग थैंक यू टू टेस्को कि उन्होंने इतना अच्छा केयरिंग भी दिखाई, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। नॉट ओनली दिस, जब मैं सुपरमार्केट में एंटर होने लगी तो मैंने बाहर देखा कि दो स्टाफ ट्रॉलीज को साफ कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, ट्रॉलीज को स्प्रे करके और सैनिटाइज करके तो वो कस्टमर्स को दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, आप भी देखें कि इन्होंने कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी। तो देखिए जनाब,
12:15 पे मैं एंटर हुई थी, मतलब टेस्को की क्यू में मैंने स्टार्ट किया था, और अब जब मैं आई हूँ गाड़ी में हूँ तो 1:42 है। अब ये तो होगा जी। तो जैसा कि आपने देखा, इतना अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था। यहाँ पे लोग खुद ब खुद रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डंडे लेके उनके पीछे भागें और आप उन्हें सिखाएं या आप उनसे कहें कि नहीं तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे करना है। यहाँ के लोग खुद ब खुद, मतलब साइन हर तरफ लगे हुए हैं, बोर्ड हर तरफ लगे हुए हैं, खुद ब खुद उन्हें फॉलो करते हैं। और काश के बैक होम भी लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ जाए कि रूल्स को कैसे फॉलो करने हैं। आगे बढ़ते हैं जी। दो दिन पहले लास्ट डे ऑफ क्लैपिंग फॉर NHS स्टाफ, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए हम लोग एवरी थर्सडे को क्लैपिंग करते थे। तो जो लास्ट डे था उसका भी मैंने क्लिप बना लिया, आप भी देखें और इन्जॉय करें। अरे यार, इतनी हवा मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो कोई टर्नेडो लग रहा है मुझे, इतने बड़े बड़े दरख्तों को हिला के रख दिया। देखो जरा कहाँ जाए बंदा इस मौसम में। ओह नो, ओह नो, लुक एट दैट। अब आप खुद ही बताओ, इतना बड़ा दरख्त जो है वो हिल रहा है। ओह नो, तो हम लोग बाहर निकल के क्या करेंगे? आराम से यार, क्या होंगे आपने साफ कर दिया मेरा कारपेट, ये देखो जरा। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। ये देखो जी आज क्या बनाया है हमने। वाह जी वाह, चिकन चरखा। वाह जी वाह, क्या बात है जी, ये क्या हो गया है। टन टन टन। लास्ट बट नॉट लीस्ट खुशखबरी, टिटू और शेरू की दोस्ती हो गई। टेम्प्रेरी दोस्ती हुई है क्योंकि दोनों आपस में बहुत लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्लिप में या नेक्स्ट या उसके बाद वाले क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी इनकी जो जंग हुई थी, इट वॉज लाइक वर्ल्ड वार 3। ट्रस्ट मी, बहुत ज़बरदस्त इन दोनों की जंग हुई थी। तो वो वाला क्लिप भी आएगा इंशाल्लाह सून। और दोनों का इत्तेफाक हुआ, दोनों में प्यार मोहब्बत हुई, आप भी देखेंगे कैसे हुई। उसके बाद फिर एक दिन मैं ऐसे ही चाँद को देख रही थी तो चाँद मेरे साथ आंख मचोली खेल रहा था। तो मैंने कहा अच्छा चंदा मियाँ, मैं भी इस मोमेंट को कैप्चर करूँगी। वो भी आप देखें और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये देखो शेरू का इतना एक्सपेंसिव बेड लेके आए थे हम लोग, ये देखो कुशी सा बेड, लेकिन नहीं यहाँ पे नहीं इसको सोना है। अपना बेड छोड़ छाड़ के और ये यहाँ पे लेटा हुआ है। शेरू क्या हो रहा है शेरू, ये देखो जरा क्या मज़े हैं भाई। यहाँ पे मैं बैठ के टीवी देखती हूँ, वो रहा टीवी। ये रहा शेरू, शेरू ये देखो अब ये गिरेगा।
ये गया, ओ गया, ये गया. ब्यूटीफुल. आज हम शेरू को पैम्पर कर रहे हैं, है ना शेरू? आज हम आपको पैम्पर कर रहे हैं ना. कहाँ कर ले आप? आपका फ्रेंड कहाँ है? टिटू. एवरीबॉडी इज मिसिंग टिटू. आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम शेरू को पैम्पर कर रहे हैं, है ना? आज हम शेरू के साथ खेल रहे हैं. और वो देखो कौन वहाँ पे जालस हो रहा है. टन 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 टन. टिटू, आज फिर आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो क्या? मुझे तंग नहीं करोगे तो आप मेरे साथ सो सकते हो. मैं आपको तंग नहीं करूंगा शेरू. अच्छा बस करो टिट्टू, बस करो, सो जाओ आराम से.